अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार फ्रेंड। मैं मोहम्मद सुफियान खान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एसके खान चैनल में, और लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आप किसी के मोबाइल का फ़ोटो वीडियो या पिक्चर देखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो से तीन या चार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं, और जो भी ट्रिक बताऊंगा एकदम पावरफुल बताऊंगा, ये फेक वीडियो बिल्कुल मत समझना दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो कौन कौन सी ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे पे सब फोटोज़ है लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो ये जो है बाद में जो है लॉक आ जा रहा है इसमें। अब इसके बाद हम बैक कर लेते हैं, कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करते हैं, जैसे मिक्स प्लेयर, तो यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है। और हम वीडियो प्लेयर में जाते हैं, जो मोबाइल की तरफ से वीडियो प्लेयर होता है इसमें, तो यहाँ पे जो है यहाँ भी लॉक लगा हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब तीनों चीज़ों में लॉक लगा हुआ है। अब हम यहाँ से वीडियो कैसे देख सकते हैं, तो दोस्तों होता क्या दोस्तों कि जैसे आप किसी का मोबाइल आप लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो स्क्रीन का लॉक जो है वो खोल के देता है, लेकिन जो गैलरी का या फिर वीडियो प्लेयर का यहाँ पे सब कहीं लॉक लगा के रखता है बंदा। तो आप आपसे हमारी एक विनती है कि आप जो है ये वीडियो फ़ोटो आप किसी का भी चेक करें या देखें तो किसी गलत मकसद के लिए ना करें। अगर आपकी ज़रूरत हो, आपका कुछ अपना पर्सनल काम हो, जैसे कि आपका काम कोई होता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, या किसी को परेशान करने के लिए, या फिर ऐसे मत कीजिएगा। आप अगर मजाक करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र, सबके मोबाइल में होता है ये ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको यूसी ब्राउज़र में जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूसी ब्राउज़र आ चुका है। तो यहाँ पे आप थ्री डॉट पे थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, आप वीडियो या फ़ोटो कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाइए, डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे माय फाइल में जाइए। अब यहाँ से आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियोस और APK, मतलब कि जो एप्लीकेशन जो हैं उनके मोबाइल में वो आप देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे वीडियोस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो जो है आ चुकी हैं। मैं एक गाना ही प्ले करके आपको सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ ये आ चुकी हैं, डॉक्यूमेंट ये भी आ चुका है, APK की फ़ाइल जो है APK, तो ये सब भी आ चुका है। अब इसके अलावा आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ भी लॉक लगा हुआ है, तो दूसरा जो तरीका है वो है व्हाट्सएप में जाइए। व्हाट्सएप में जाने के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद आप गैलरी में चले जाइए और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं सारी वीडियो आ चुकी है। अब यहाँ से आप जो वीडियो देखनी है वहाँ यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे चलने लग गई। अब इसके अलावा आप मान लीजिए यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। एक बढ़िया तरीका है, वहाँ पर आपको जाने के बाद एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट चालू नहीं रहेगा फिर भी वो वेबसाइट जो है खुल जाएगी और आपका जो
उस मोबाइल का जो है सब कुछ देख सकते हैं, जैसे फ़ोटो, वीडियो और MP3 कुछ भी। तो चलिए हम सीधा चलते हैं। सबसे दोस्तों इसके लिए आपको एक क्रोम ब्राउज़र जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। अगर नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, वैसे तो सबके मोबाइल में होता है। तो क्रोम ब्राउज़र जो है हमारा ये रहा, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कोई नया पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमें टाइप करना है फाइल फाइल, उसके बाद यहाँ पे जो दो बिंदु लिखा हुआ है ऐसे, उसके बाद तीन बार स्लैश, उसके बाद SD कार्ड हमें टाइप करना है, SD कार्ड, उसके बाद फिर से स्लैश, उसके बाद गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी मोबाइल का जितनी फाइल थी सारी की सारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं डाटा स्टोरेज और जितनी मैंने मतलब कि जितनी भी एप्लीकेशन मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की थी उसकी एक फ़ाइल बन जाती है, तो वो सारी भी आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको सीधा व्हाट्सएप या एडमिट व्हाट्सएप में चलते हैं। व्हाट्सएप में मीडिया, चलिए मीडिया में चलते हैं। अब इसके बाद हम वीडियो में जाते हैं या फिर फ़ोटोज़ में जा सकते हैं और MP3 कहीं से भी जा सकते हैं। तो मेरा देख सकते हैं इंटरनेट भी चालू नहीं है। अब यहाँ पे जो है वीडियो आ चुकी है, चार वीडियो है मेरी। कोई भी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको और कैसे चलती है। आज वाले इन दुम्बों का मिजाज भी आसमान से बातें करता है, यहाँ किसी ने ज्यादा प्यार दिखाया तो घुमाकर सींग दे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्रिक जो है आसानी से पता हो गई होगी और आप जान गए होंगे कि कैसे जो है किसी के मोबाइल का जो है डाटा आप देख सकते हैं, वीडियो फ़ोटोज़ और MP3 कुछ भी आप देख सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसी मतलब प्रॉब्लम हो आपको, जैसे कि आपको किसी का मोबाइल मिलता है और आप उसका मोबाइल कुछ नहीं देख पाते, तो इस ट्रिक से आप जो है आसानी से देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं दोस्तों हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जो पावरफुल होती हैं और दमदार होती हैं। मैं उस तरह की वीडियो नहीं बनाता जो आपके लिए बिल्कुल घटिया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।